सब्सक्राइब करिए हमारे सिविल सर्विस टिप को और इस घंटे को दबाइए जिससे हमारी नई वीडियो आप घंटे में देख पाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी, ये है dlallantop.com। 25 अगस्त 2017 डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को अपने ही डेरे में जो साध्वी हैं उनके यौन शोषण के इल्जाम में जेल भेज दिया गया, दोषी करार दिया गया। विलेन की बात तो हर कोई कर रहा है, हमने सोचा लल्लन टॉप के दर्शकों को उस हीरो के बारे में भी बता दें जिसके चलते न्यायपालिका में हमारी आस्था नए सिरे से मजबूत हुई है। सलाम तो उन लड़कियों को भी बनता है, उनके परिवार वालों को भी बनता है जो इतने दबावों के बावजूद सच्चाई के रास्ते पर टिके रहे, और एक सलाम सीबीआई की पंचकूला कोर्ट के उस जज जगदीप सिंह के नाम जिन्होंने इस बलात्कारी बाबा को जेल के सीक्षों के पार भेजा। यह कहानी जगदीप सिंह की है। स्क्रीन पर आपको जगदीप सिंह नजर आ रहे हैं और उनके बगल में वो फर्जी शेरे हिंद जो असल में बलात्कारी हैं और इसलिए इस वक्त रोहतक की एक स्पेशल जेल में, उस जेल में जहां उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठा के ले जाया गया, आराम फरमा रहे हैं। पंचकूला का माहौल कैसा है आप लगातार न्यूज चैनलों पर देख रहे हैं, लल्लन टॉप भी आपको बता रहा है वीडियो के जरिए, फर्स्ट हैंड अकाउंट्स के जरिए। डेरा और राम रहीम के गुंडे आगजनी कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं, भाग रहे हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद वहां 2 लाख लोग इकट्ठा हो गए और इसीलिए मनोहर लाल खट्टर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मगर फिलहाल हम बात करते हैं जो कि हेडिंग में सजेस्ट किया गया है, उस जज के बारे में जिसने राम रहीम को दोषी करार दिया और जो 28 अगस्त को उन्हें सजा कितनी दी जाएगी ये बताएगा। इस जज का नाम है जगदीप सिंह। 15 साल पुराना मामला था गुरमीत राम रहीम के ऊपर, ये जो रेप का इल्जाम लगा था और उनकी दो शिष्याओं ने दर्ज करवाया था। जगदीप सिंह जिन्हें उनके महकमे के लोग शांत, काबिल और अपने काम के प्रति समर्पित आदमी के तौर पर जानते हैं, पिछले साल ही पंचकूला की सीबीआई की कोर्ट है उसमें बतौर स्पेशल जज उनकी पोस्टिंग हुई। सितंबर 2016 में उनकी बड़ी तारीफ हुई जब उन्होंने 4 लोगों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई थी। हमारा जज सिर्फ अपने फैसलों में हीरो नहीं है, इंसान, एक कथित इंसान आज जेल भेजे गए, उनको जेल भेजने वाला ये असली इंसान है क्योंकि ये लोगों की मदद करता है। ये रोड एक्सीडेंट का वाकया था जब जज जगदीप सिंह ने अपनी गाड़ी से लोगों को अस्पताल पहुंचाया था। आजकल लोग क्या करते हैं आपको पता ही है, अस्पताल पहुंचाने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाने लगते हैं। पूरा मामला क्या था, जगदीप सिंह हिसार से पंचकूला जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा कि एक्सीडेंट हो गया और 4 लोग घायल पड़े हैं। उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया, ऑपरेटर ने कहा उड़के आ जाएं क्या, जाहिर सी बात है कि ऑपरेटर को नहीं पता होगा कि फोन के दूसरी तरफ का फरियादी कौन है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे यहां सत्ता के पायदान के हिसाब से सरकारों के, सरकारी नुमाइंदों के स्वर बदल जाते हैं। बहरहाल जज साहब ने इसके बाद एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया किसी भी समझदार आदमी की तरह और राहगीरों की मदद से उनको अपनी गाड़ी में डाला और जींद के अस्पताल में पहुंचा दिया। आज सरकार का सिस्टम हिला, गुरमीत राम रहीम का एक गाना भी है, लव सॉन्ग सिस्टम हिल गया, लेकिन उनका सिस्टम जिस जगदीप सिंह ने हिलाया उनकी बात हो रही है। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से साल 2000 के आसपास लॉ की डिग्री हासिल की, पढ़ाई में बहुत तेज थे, एकदम अच्छे आदर्श बालक, ये उनको जानने वाले बताते हैं। 2000 से 2012 तक वो हरियाणा में सिविल और क्रिमिनल केस लड़ते रहे, खूब नाम कमाया। जिनका केस लड़ लिया वो आज भी इनका नाम प्रातःकाल उठ के लेते हैं कि वकील साहब ने बचा लिया, वकील साहब जो अब जज साहब हो गए हैं। हरियाणा की कानूनी सर्विस में 2012 में जगदीप की एंट्री हुई, सोनीपत में पोस्टिंग हुई, फिर सीबीआई कोर्ट में इनकी एंट्री हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कड़ी निगरानी में हुई। ये उनकी दूसरी पोस्टिंग है और इसी पोस्टिंग में राम रहीम के ऊपर फैसला सुना दिया। और अब इस केस का, फैसले का जो अगला पक्ष है उसका इंतजार लोग कर रहे हैं। 28 अगस्त को बताया जाएगा कि रेप के मामले में दोषी मान लिए गए गुरमीत राम रहीम को, जिनके ऊपर और भी मामले हैं,
जान से मारने की धमकी का मामला है, महिला को धमकाने का मामला, ऐसे 2-3 मामले हैं, उसमें अधिकतम 10 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। कितने साल की सजा सुनाई जाएगी? समाज है, समाज में श्वेत अश्वेत यानी कि स्याह और उजले दोनों पहलू रहते हैं। एक तरफ राम रहीम है, दूसरी तरफ जगदीप है। एक तरफ राम रहीम के समर्थक हैं जो आतंक मचा रहे हैं, बिल्डिंगों में आग लगा रहे हैं, पत्रकारों की गाड़ियां जला रहे हैं। दूसरी तरफ जगदीप सिंह जैसे लोग हैं जो इतने दबाव के बावजूद, लाखों की भीड़ के बावजूद, न्याय का जो पूरी अवधारणा है, जो दायित्व है जो उनको दिया गया है, उसकी पूर्ति में बिना किसी लोभ के लगे हुए हैं।